किसानों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो। किसानों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो। किसानों को प्रताड़ित करना जिमनी जी क्या कहेंगे? शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का जो आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, वो जो सरकार और सत्ताधारी पार्टियां प्रशासन लगातार किसानों को प्रताड़ित कर रहा है, उसके खिलाफ है, उसके विरोध के अंदर है। लेकिन एक तरफ सरकार लगातार ये दावा करती है कि वे किसानों की हितैषी है, 2022 के अंदर ये बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं, जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रोशनी एक्ट की आड़ में किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वह किसान भाई जो पिछले 60 से 70 सालों से, बल्कि आजादी के बाद से सरकारी जमीन पर खेती कर कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उन किसानों को रोशनी एक्ट की आड़ के अंदर उन जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। देखिए, रोशनी एक्ट के अंदर जो हमारे माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था, हम उसका स्वागत करते हैं। आदेश के अंदर कहा गया था कि जो इंक्रोचमेंट वाली जमीन है उसको खाली करवाया जाए, मगर ये किसान भाई पिछले कई दशकों से वहां पर खेती कर रहे हैं, ये वहां के प्रोस्पेक्टिव ऑनर हैं। हमारी सरकार से अपील है कि ये जो जमीन है ये किसानों को आवंटित की जानी चाहिए, किसानों को दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो किसान भाइयों के साथ शिवसेना भी सड़कों पर उतरेगी और वही आंदोलन, वैसा ही आंदोलन जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा जो दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है।